हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं राइस बोल, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही खाया था रेस्टोरेंट में। तो ये हम थोड़ा देसी तरीके से बना रहे हैं। एक्जॉटिक वेजीज हम यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिया है फूल गोभी, जिसकी मैंने कम से कम 10-12 कलियाँ ली है। एक बड़ा शिमला मिर्च, जिसे मैंने कुछ यूँ काट लिया है। एक बड़ा आलू, जिसे इस तरीके से हमने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। 8-10 फ्रेंच बीन, कुछ कैबेज थोड़े से, और ये पनीर के 12-15 टुकड़े। ये पनीर हमने घर में बनाया था, ये मसाला पनीर है। लाइक इसमें हमने पनीर बनाते वक्त दूध में मसाले दे दिए थे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, कसूरी मेथी, ये सारे दे दिए थे। आप चाहें तो सिंपल पनीर से भी बना सकते हैं। और बाकी वेजीज के साथ ही मैंने यहाँ पर लिए है 2 टमाटर सीडलेस करके, उसे इस टुकड़े में इस तरह से काटा है मैंने। और यहाँ पे एक प्लेट मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, आपको जितना खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम इसे सॉटे कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्लाइस किए हुए आलू, और इसे हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हाई कर लें क्योंकि हमने इसे सॉटे करना है, इतना कि ये पक जाए, क्योंकि आलू कच्चा है तो हमें बस इसे पकाना है। ये थोड़ा फ्राई या थोड़ा पका हुआ जैसा हो जाए तब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि ये आलू है थोड़े ज़्यादा कड़े और ये कच्चे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है हमने और इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और नमक स्वादानुसार। ब्लैक पेपर और नमक, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से डालें। आप इसी तरह से हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके सारे वेजीज को अलग अलग सॉटे कर लेंगे। इसे अलग, फ्रेंच बीन्स अलग, कैप्सिकम अलग, गोभी अलग, पनीर अलग, टमाटर अलग और स्वीट कॉर्न अलग। तो चलिए सारी सब्जियों को सॉटे करने के बाद मिलते हैं। जब तक मम्मी मेरी हेल्प कर रही है वेजीज को सॉर्ट करने में, तब तक हम यहाँ ग्रेवी के लिए रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 2 कप पीनट, ये हमने ऐड कर दिया 2 कप रोस्टेड पीनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया है, बस 1 चम्मच काफ़ी है, क्योंकि मेरा पीनट जो था ना वो ऑलरेडी थोड़ा रोस्टेड था। तो बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं इसको रोस्ट करी ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट नहीं हो तो इसे प्रॉपरली रोस्ट करें, या यूं कहें मैं बस थोड़ा सा इसे गर्म कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच, लाइक बहुत छोटा चम्मच है, जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 दाने गोलकी के, इसे हमने रोस्ट कर लेना है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, अब इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 कप नारियल पाउडर। अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो वो ऐड करें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसका पाउडर यूज़ किया है। इसका बहुत ज़्यादा ही स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, स्मूथ पाउडर, हल्का सा दरदरा ये होना चाहिए। ये अब अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया है तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और अब ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसका स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। चलिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में जार में निकाल लेते हैं। ये हमने अपने जार में निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें हमने ऐड किया है, लगभग 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए हम और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच के लगभग अदरक ग्रेट किया हुआ, और इसे हम पीस लेंगे। आपको अपनी ग्रेवी कितनी थिक या कितनी पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसको ग्राइंड करके। ये देखिए हमने आलू, गोभी और बीन्स को सॉटे कर लिया है। अब बारी है स्वीट कॉर्न की। स्वीट कॉर्न को हम सॉटे कर लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी सब्जी को भी सॉटे कर लेंगे। सेम हर सब्जी में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक डालना है, यानी कि गोलकी पाउडर या मरी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है बस। और सॉटे करने के लिए आपको मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। रुकिए रुकिए, रुक जाइए, अगर आप पीसने जा रहे हैं तो रुक जाइए। उसमें
क्यों वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ चावल के लिए 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। पता नहीं क्यों मुझे इस घी को पिघलते हुए देखना ना बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। ओ बस ये तो पिघल रहा है, अब हम चलते हैं मसालों की ओर। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो घी है ना ये होममेड है, जो हम सब बनाते हैं वैसे ही ये भी मैंने बनाई है। ग्रेवी के लिए हम मसाला पीसने वाले थे, जो हम ग्रेवी बनाने वाले थे उसमें ना हमें मिर्च भी डालनी होती है, तो वो मिर्च मैं उसमें डालना भूल गई थी, तो वो हम अभी डाल देंगे। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर गैस ऑन करने के बाद थोड़ी गोल की चावल के लिए 2 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटे चम्मच जीरा, ये चम्मच देखिए छोटा है बिल्कुल, 2 लौंग, इलायची, और यहाँ पे एक और मैंने इलायची छील कर डाली है, 2 तेज़पत्ता डाल के अच्छे से चला लेंगे। और जब अच्छे से भून जाए तो ये लाल मिर्च जो है वो हम ग्रेवी वाले में एक डाल देंगे, क्योंकि मुझे उसी वक्त इसे रोस्ट करना था बट मैं भूल गई थी, तो इसे अब अभी रोस्ट करके उसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद उसे पीसेंगे। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसमें से एक मिर्च जो है वो निकाल लेंगे और अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। और ये है करी पत्ता जिसे मैंने अपने ही घर के गार्डन से तोड़ा था, तो कम से कम हम इसमें 4-5 डंडी बिल्कुल पत्ते डालेंगे। तो चलिए हम करी पत्ता इसमें डाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो ये हमने इतने सारे करी के पत्ते डाले हैं क्योंकि इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है, और मेनली हम इसी के कारण ही चावल का टेस्ट पूरी तरह से बदल जाता है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हो गया, ये भुना चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चावल। यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई भी एक कप, आप मेजर कर लीजिए। हम उस कप से, हम छोटे कप से जिसमें हम चाय पीते हैं, उसे 3 कप चावल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और एक बात, जब हम चावल बनाते हैं ना तो कई बार हमारे में वो माड़, जिसे हम माड़ कहते हैं, मतलब चावल बनाते वक्त उसका पानी जो हमें बाद में निकालना पड़ता है, अगर आपको वैसा निकालने का मन ना हो तो आपने जितना चावल ऐड किया है बस उसका डबल, लाइक मैंने यहाँ पे 3 कप चावल ऐड किया है तो मैं 6 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 कप पानी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और क्योंकि मैं जिससे निकाल रही हूँ उसे प्रॉपर नहीं निकल रहा था इसलिए हम 1/2 कप पानी और ऐड कर रहे हैं, 6.5 के कप मैंने पानी इसमें ऐड किया है। इससे होगा क्या ना, इससे आपको वापस से चावल अलग किसी बर्तन में पकाने की, मतलब उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसमें माड़ पूरी तरह से सूख जाएगा और इसी में रह जाएगा। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। ये देखिए ये चावल जो हैं काफ़ी हद तक पक चुके हैं, इसलिए अब हम इसमें धनिया पत्ता ऊपर से ऐड करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा पुदीना पत्ता भी ऐड कर देंगे। इससे होगा क्या ना, जो चावल रेडी होगा हमारा वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और आपको दोबारा भी खाने का मन करेगा। अब बस इसे अच्छे से पूरी तरह पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक चावल हमारा पक रहा है हम यहाँ कैबेज को, पत्ता गोभी को फ्राई कर ले रहे हैं ताकि इसके ऊपर हम सजा सकें। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई पत्ता गोभी, जो हमने कैबेज आपको फ्राई करते टाइम दिखाई थी ना वो हम डालेंगे। ये देखिए हमने इसे ऊपर से अच्छे से सकर रख दिया है गोभी, पत्ता गोभी, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये पूरी तरह से पक जाए फिर ये रेडी है। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक कर छोड़ देंगे। ये जो हमने पीसा था ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस इसे भी हम राइस के साथ सर्व करेंगे। थोड़ी सी पतली ग्रेवी तो हम इसमें पानी हल्का सा ऐड करेंगे। आपको बता दूं यहाँ पे जो पानी है ना ये मेरा 2.5 से 3 कप के लगभग लग गया, इसे पीसते वक्त भी और अभी भी ऐड करके। ये देखिए मैंने इसे बोल में निकाल लिया है, ये बन चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर सर्व कर लेंगे। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं।
ये राइस। इसके बाद हमने इसमें डालनी है अपनी ग्रेवी। हम जब बाहर में राइस बोल खाते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह तरीके से हमें सर्व करके दिया जाता है। मैंने ये भी कुछ दिन पहले ही खाई थी, तो तब से मुझे ये बहुत मन था कि इसे मैं घर पर ही वापस से बनाऊं। बट हाँ, थोड़ा सा देसी स्टाइल के साथ, देसी पंच होना तो ज़रूरी है। तो बस लीजिए, हमने ये रेडी कर दी। और आप भी ये ज़रूर ट्राई करें, थोड़ा मेहनत आपको लग सकता है, बट यस, इसे बहुत टेस्टी होता है ये खाने में। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और ये रही हमारी वेजिटेबल्स जो हमने सब अलग अलग सॉटे किए थे। तो चलिए फटाफट से हम इसे सारी सब्जियों को रख लेंगे और उसके बाद आपका ये रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम सबकी फेवरेट पनीर, ये मसाला पनीर जो हमने घर पे ही रेडी किया था। लीजिए, तैयार है आपकी रेसिपी और इसे हम सर्व करते हैं। बताइए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ना, आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें, क्योंकि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।